हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग कितना डल है कि अब नॉर्मल एलईडी लाइट ने जैसा है ना, इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी रनिंग में है, स्टार्टिंग में है। अब इसमें हाई बीम लो बीम दो भी रखता हूँ, रोड कहाँ है से भी दिखता नहीं, पूरा टोटल हाईवे को गए तो इसकी और मुश्किल हो जाती है आपको। इसका ब्राइटनेस बढ़ा के देखता हूँ आपको एक बार। ठीक है दोस्तों, कुछ भी रोड दिखता नहीं है। अब ये लाइट डालने की देर आपको उजाला हो जाता है, पूरा उजाला उजाला का उजाला हो गया। देखो कितनी लाइटिंग है इसमें रोशनी में। आप कितने भी सो जाओ, क्या भी कर रहे हो, आपकी मर्जी के साथ। लेकिन आप मुझे प्रॉब्लम का भी देख सकते हैं, चार लोगों के किसी लाइटिंग कर रही है, खाना में हाई बीम डालने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू सजेशन चैनल। दोस्तों आज आप देख सकते हैं गारंटी वाला H4 बल्ब लेके आया हूँ मैं। मेरी गाड़ी को डाल के दिखाता हूँ इसके ब्राइटनेस कैसी आपको लोग को बेहतरीन लाइट हो सकता। तो ये चाहिए, इसमें गारंटी भी है आपको। ये गाड़ी की लाइट डालने वास्ते अपोजिट गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत होगी, वो ऑटोमेटिकली साइड देके आपको रास्ता दे देते हैं। उसके लिए अपोजिट गाड़ी आए तो स्टॉक आप क्या करें, लो बीम रख ले, हैवी नहीं जैसा। अब ये गाड़ी को फिट करने जाता हूँ। इससे पहले मेरे गाड़ी को हेलोजन गोल्ड कलर का बल्ब था ना, उसकी लाइटिंग तो पूरा बेकार लाइटिंग है दोस्तों। अपोजिट गाड़ी आएगा तो दिखता भी नहीं, नॉर्मल मैं गाड़ी लेके जाता तो भी रोड दिखता नहीं। उसका वीडियो भी आप पहले ही देखे होंगे। अब इसके बाद इसका ये फिट करने के बाद इसका वीडियो भी दिखाता हूँ आपको टोटली, पहले भी थोड़ा दिखाऊँ ना। अब ये आप बाय करना चाहते हो ऑनलाइन में, इसका मिला तो लिंक रखता हूँ, नहीं तो नहीं, ये मैं सेपरेट हाइड्रोलिक से परचेस किया हूँ। आप ये चाहे तो हमारे शॉप के आपको विजिट कर सकते हैं, आपको अवेलेबल मिलता है। इसकी गारंटी का कार्ड भी मिलता है आपको, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। अब ये देख सकते हैं इसके साथ ये लाइट है, इसकी गारंटी कार्ड इसमें तो नहीं है, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। आपको इसका गारंटी कार्ड भी है मेरे पास, वो भी देता हूँ। इसकी एक बार ब्राइटनेस बताता हूँ आपको, चलो एक बार ब्राइटनेस बताता हूँ इसकी। ये शॉप के लाइटिंग पूरे भी बंद करता हूँ एक बार। ये देखो ये लाइट है ना, अब इसकी लाइटिंग शॉप में की पूरी लाइट बंद करता हूँ। देखो शॉप में की टोटल लाइटिंग बंद किया है ना। अब इसकी ब्राइटनेस आपको चेक करके बताता हूँ। अब ये लाइट है ना, अब ये लाइट की ब्राइटनेस को लगाने के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो दोस्तों इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा है, पूरी शॉप को कवर कर देता है इसका ब्राइटनेस। आप लोग को पूरा शॉप कवर करता सर का दिखता है ना, देखे ना दोस्तों इसका ब्राइटनेस। और इसके ब्राइटनेस से आपकी गाड़ी को रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसका लाइटिंग के तरफ से। आप ज़रूर बाय कर लीजिए, आपकी गाड़ी को बहुत लाइटिंग होगी, आपके ड्राइविंग करने के लिए भी सहूलत अच्छी रहती है। लेकिन देखिए ना इसके लाइटिंग, ये 40 वाट्स का है। चलो अब मेरी गाड़ी को डाल के बताता हूँ। गैस ये लाइट बदलाने के लिए बस आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और वायरिंग करने के लिए एक कटर और टेप चाहिए। आपकी लाइट आपके गाड़ी को हेड का बल्ब स्विच नहीं तो ऐसा एक स्विच परचेस करना पड़ेगा ज़रूर कहीं का। तो ये स्विच नहीं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट पड़ के लाइट एनी टाइम डायरेक्ट पड़ के रहती है हेडलाइट। ये ऑरेंज कलर के है ना, अब रेड कलर की ये कार्ड के येल्लो, इसमें वाइट आता है येल्लो कार्ड के। चलो इसको फिट करेंगे हम। गैस अब ये स्विच है ना, ये स्विच को बैटरी कनेक्शन देने के लिए इसकी वायरिंग इधर आया है इसमें। अब यहाँ है ना स्विच की वायरिंग। अब इसमें से हमें ये सप्लाई ऊपर जाने का है तो ये नीचे का सप्लाई इसमें गाने का है। इसकी वायरिंग काट के हमें बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ये बैटरी होता है, इग्निशन सप्लाई में रखना कहीं का। तो ये गाड़ी को अप एंड डाउन सप्लाई नहीं चाहिए, डायरेक्ट पावर चाहिए इसे डायरेक्ट। अब ये एसी डीसी है ना, अब इसका केबल में ये लॉक सिस्टम है ना, इग्निशन सिस्टम लॉक का ये सॉकेट है। हर होंडा गाड़ियों को सेम एक्सिटी साइज आता है। आजकल BS6 गाड़ी को कैसा आता है कि मान लें कि BS4 गाड़ी है इसके, अभी लाइन लिखी रहे ना रेड, दो रेड वगैरह है ना, इस पर एक लिखी रहती है, वही लकीर में जो बिठाना है। चलो इसमें एक बिठाएंगे, डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन हो जाती है गाड़ी की वायरिंग, लाइट हेडलाइट है। आपको समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह कमेंट करो, बोलने की कोशिश तो करूँगा ज़रूर। देख सकते हैं उसको देखने का क्या है, अभी तो लाइट नहीं पड़ रही है, बैटरी कनेक्शन दिए सो दिए फिर भी नहीं चल रहा है। कुछ इसमें प्रॉब्लम है, परफेक्ट है ये।
तो सॉरी दोस्तों, इसका साइकिटेज नहीं लगाया मैं, ये इसमें लगाना है। अब कर दिया है, देख सकते हैं ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कितना ज़्यादा रहा ब्राइटनेस इसका। अब इसको फिट करके एक राउंड चक्कर लगेंगे बल्ब में, देखेंगे इसकी लाइटिंग चक्कर मार के हो गया काम तमाम। अब इसको फिट करेंगे, हो गया। अब इसको स्क्रूज चढ़ेंगे, गाइस देख लीजिए वर्क टोटल हो चुका है। अब इसके अंदर एलईडी लाइट फिट करा होना H4 की। अब इसको ऑन करता हूँ, ब्राइटनेस देख सकते हैं आप, टोटली फुल ब्राइटनेस है इसका, रोशनी आप देख सकते हैं, आप लोग को अंदाज़ा रख सकता है इसका। ये लो बीम हाई बीम दो भी बंद हो गए एकदम, इसमें स्विच प्रॉब्लम है। ये स्विच क्या काम और आ गए हैं गोम के आउटस्कर्ट्स आ गए हैं। आप लोग को अब इस पर कोई भी एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं मिलेगी, आपको ओनली व्हीकल्स के लाइट से आएंगे इस रोड पे। आपको दिखाने के लिए ये भेजे तैयार था बल्कि इतनी दूर लेके आया हूँ मैं, इस पर तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी दिखती नहीं बल्कि बोल रहा हूँ, आप क्लैरिटी दिख रही होगी। दो गाड़ियाँ जा रहे हैं, दो गाड़ियों के व्हीकल्स है, हमारी गाड़ी की व्हीकल बहुत ज़्यादा है बोल लेता हूँ मैं, टोटल लाइटिंग कवर कर रही है। लाइटिंग एक बार बंद करेंगे, देखो कितना लाइटिंग है इसका, एक बार मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको, क्या देख सकते हैं आप कितना लाइटिंग डिफरेंस आएगी इसका। पूरा रोड हमारा है माशाल्लाह, रोड कवर करने के लिए ये बेहतर है लाइटर, आपका रोड आपको बेहतरीन वे में क्लैरिटी। देखे ना दोस्तों, फिर और एक विलेज में आया हूँ मैं, और फिर टाइम और एक लाइट का व्यू आपको प्रॉपर से बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आप हमारे इस चैनल में जुड़े रहिए। ओके ना दोस्तों, थैंक्स फॉर कोऑपरेट दिस वीडियो चैनल। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं आप व्हीकल्स जा रहे हैं वहाँ पे, टोटली अंधेरा है। अब मेरी गाड़ी को ऑन करता हूँ मैं, चाबी ऑन किया हूँ, अब गाड़ी को स्टार्ट करके लाइट डालता हूँ। लाइटिंग देख सकते हैं आप कितनी फ़र्क आएगी लाइटिंग पे, कितना उजाला है, ब्राइटनेस पूरे का पूरा रोड कवर कर रहा है। अब इसको निकल पड़ेंगे, हमें पूरा रोड कवर करता है या नहीं बिल्कुल देखेंगे। देखो दोस्तों, पूरे व्हीकल्स क्या नंबर है क्या नहीं, टोटली एग्जैक्टली आपको लुक दिखेगा एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं बोलने का प्रॉपर इस लाइटिंग में। आप ये टोटल हेवी लाइट है टोटली मेरे दुकान में। अब एक बार इसकी लाइट बंद करके दिखाऊंगा आपको, आपको पूरे गाड़ी में जाने देंगे, इसका अंधेरा आपको समझ में आएगा कि अंधेरा कितना है ज़रा बोलने का। देखो हर एक गाड़ी का लाइटिंग, अभी तो गाड़ी जाने देंगे, जाने के बाद आप करेंगे लाइटिंग। ये गाड़ी गए ना, अभी रोड पूरा सही जाए ना, देखो दोस्तों कुछ भी रोड दिखता नहीं ना। अभी लाइट डालने की देर है, आपको उजाला हो जाता है पूरा, उजाला उजाला का उजाला हो गया। देखो कितनी लाइटिंग है इसमें रोशनी में, आप कितने भी सोच जाओ क्या भी कर लो आपकी मर्जी इस लाइटिंग के साथ, लेकिन अपोजिट वाले का भी देख सकते हैं झाड़ों को चलाना है।